तो आज मंत्री बैठी हुई हैं महिला और बाल विकास की। एक समय था कि सर पे अपने सिलेंडर लेकर के दौड़ती थी और घेरती थी, और आज वो कहाँ है? और सदन में वो सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रही हैं, अरे सदन तो आज आपकी, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप जो चाहे चाहे जिस प्रदेश के बारे में आप डिस्कशन कराना चाहे, बातें कराना चाहे, वो आपके हक की है और आप उसे करा सकते हैं, फिर भी आप आज विपक्ष में चिल्ला रहे हैं। ये दिखा रहा है कि आप काम कुछ नहीं करना चाहते हैं। विधायक रागिनी सोनकर जी हमारे साथ हैं। मैम, आज बैठक हुई है, क्या कुछ कहेंगे और क्या अखिलेश जी ने दिया है मूल मंत्र, चूँकि कल से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा जी? आज बैठक हुई है और NDA की सरकार जिस तरीके से विभिन्न प्रदेशों में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेशों में गरीबों के साथ अत्याचार, बेरोजगारी का दर बढ़ता ही चला जा रहा है, महिलाओं के साथ अगर हम NCRB का आंकड़ा देखें तो किस तरीके से नंबर ऑफ केसेस हैं जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उसके बारे में कोई बातें नहीं होती हैं, उसके बारे में कोई डिस्कशंस नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी होती है। तो उन्हीं बातों पे, उन्हीं मुद्दों पे हम सरकार को घेरने वाले हैं और उनसे जवाब मांगने वाले हैं। मणिपुर और हरियाणा के मामले को लेकर भी समाजवादी पार्टी कुछ चर्चा करेगी, क्योंकि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और महिलाओं के लिए जिस तरीके से महिलाओं के साथ हुआ, देश को शर्मसार करने वाला मुद्दा है और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है कि उस मुद्दे को यहाँ पर लाया जाए। PM की चुप्पी को लेकर क्या कुछ कहेंगी? PM की चुप्पी को लेकर मैं शर्मसार हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे हुआ और महिलाओं के साथ हो रहा है, वो भी उन्होंने उनके पुराने, आप अगर जो वो भाषण देते थे और जिस तरीके से वो कहते थे, अगर हम नदन पाठ की बात करें कि वो उनके दिल के कितने करीब है, और चुनावी जब उनकी रैलियाँ होती थी तो वो कहते थे कि हम अपने भाई और बहनों के लिए, जो ST कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए वो काम करेंगे, और ये आज ये काम कर रहे हैं कि 78 डेज हो जाते हैं और उनका मौन व्रत नहीं टूटता है। और जब इस प्रकार की वीडियोस आती हैं, महिलाओं की आबरू छिन्न भिन्न हो जाती है, उसके बाद जाकर के वो बोलते हैं और वो भी विभिन्न राज्यों से कंपेयर करते हैं। मेरा बस ये कहना है, जो आज मंत्री बैठी हुई हैं महिला और बाल विकास की, एक समय था कि सर पे अपने सिलेंडर लेकर के दौड़ती थी और घेरती थी, और आज वो कहाँ है? और सदन में वो सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रही हैं, अरे सदन तो आज आपकी, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप जो चाहे चाहे जिस प्रदेश के बारे में आप डिस्कशन कराना चाहे, बातें कराना चाहे, वो आपके हक की है और आप उसे करा सकते हैं, फिर भी आप आज विपक्ष में चिल्ला रहे हैं। ये दिखा रहा है कि आप काम कुछ नहीं करना चाहते हैं। आज आप महिलाओं की आबरू पे कुछ नहीं बोल रही हैं, जिस तरीके से प्रदेशों में हो रहा है, प्रदेश जल रहे हैं, मणिपुर में जो स्थिति है, हरियाणा में है, और अगर इसी तरीके से रहा तो मुझे डर लगता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और कोई भी अगर कुछ भी बात करता है तो उसे जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र की जो हत्या आए दिन होती चली जा रही है, हमें लगता है कि इस पे मीडिया भाइयों से भी मैं अनुरोध करूंगी, बहनों से अनुरोध करूंगी कि जो विपक्ष की आवाज़ है उसे एक एक घर तक पहुंचाया जाए, कि जो ये बदहाली हो रही है, इस सरकार को किस तरीके से उखाड़ फेंकना है, उसकी योजना को अच्छी तरीके से बनाया जाए और देश में और प्रदेश में खुशहाली के लिए काम किया जाए। बिल्कुल, तो ये रागिनी सोनकर जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से देश और प्रदेश में हालात हैं उसको देखते हुए, जनता की बदहाली को लेकर ध्यान में रखते हुए सरकार को काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि सोमवार को जिस तरह से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस सदन में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेगी। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।